आजादी के अमृत महोत्सव आइकॉनिक वीक ऑफ हेल्थ कार्यक्रम के तहत जनपद के सभी सम्मानित धर्मगुरुओं के साथ जिला क्षय रोग कार्यालय में बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर मिश्रा ने की। इस दौरान जिला क्षय रोग अधिकारी ने टीबी संबंधी बीमारी को लेकर सभी धर्मगुरुओं को इसके बचाव और लक्षण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी और सभी धर्मगुरुओं से अपील करते हुए कहा कि सभी अधिक से अधिक लोगों तक इस बीमारी से बचने के उपाय के प्रति लोगों को जागरूक करें। मैं यही गोरखपुर शास्त्री चौक पर जो चर्च स्थिति है आइकॉनिक वीक ऑफ हेल्थ आना है। टीबी क्या है? टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो किसी भी व्यक्ति आएंगे तो जाहिर लोग आएंगे। बहुत संक्षेप में मैं आपका सबसे पहले तो टीबी बीमारी के बारे में बताऊंगा, उसके बाद टीबी बीमारी हमारे समाज के लिए किस तरह नुकसान पहुंचा रही है उसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी होगी। सुनने के लिए इस कार्यक्रम में यहाँ आपको बुलाया गया। सबसे लास्ट में हमारा जो उद्देश्य मेन उद्देश्य है कि आप इस संबंध में श्रीवंत संवाददाता से बात करते हुए जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर मिश्रा ने बताया। आज़ादी के अमृत महोत्सव आइकॉनिक वीक ऑफ हेल्थ प्रोग्राम के तहत आज अपने जिला के सभी सम्मानित धर्मगुरुओं के साथ टीबी उन्मूलन की दिशा में एक मीटिंग किया जा रहा है। टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो देखा गया है कि एक व्यक्ति जो संक्रमित है उसका समय से जांच और इलाज नहीं होता है तो 10 से 15 लोगों को टीबी का रोग दे सकता है। हमारे धर्मगुरु का इसमें बहुत बड़ा अच्छा रोल होगा क्योंकि धर्मगुरुओं की हर व्यक्ति ज़्यादातर बात मानते हैं और इस दिशा में इन लोगों को जन जागरूकता करना, सेंसिटाइज करना बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी क्योंकि हमारे धर्मगुरु जो भी हैं यदि इनके पास जो भी व्यक्ति आता है और प्रिजेंटिव टीबी यदि संभावित टीबी के लक्षण वाले कोई भी व्यक्ति मिलता है, कोई भी जन मिलता है तो उनको बताना है कि समय से जांच करा लें और जांच करा करके जो है निःशुल्क दवा सरकारी अस्पतालों में है।